फोर क्वेश्चन जो है ना वो आपको हम प्रोवाइड कर लेंगे किसके, मिस्टर चीप्स के, ठीक है, इजी, तो आप उसको क्या कर लें, याद कर लें और हमको इम्तहान इंशाल्लाह जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, ठीक है। और मेन पार्ट जो है ना आपका मिस्टर चीप्स का, उसमें से आप लोगों ने ना 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 12 आते हैं और 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। देखिए आपको जो ज़्यादातर हिस्सा वो शॉर्ट क्वेश्चन में मुश्तमिल है, यानी आपके शॉर्ट स्टोरीज में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आपके हीरोज में से भी आने हैं, ठीक है, और आपके मिस्टर चिप्स में से भी आने हैं। अब 1 to 18 चैप्टर देखे आपने घबराना नहीं, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट्स करें, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, हीरोज के भी, स्टोरीज के भी और मिस्टर चिप्स के भी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो सेकंड ईयर की इंग्लिश जो होती है ना टेक्निकल तरीके से तैयारी करनी, ये नहीं होता कि सारा सारा तैयार कर लो, क्योंकि स्टूडेंट सारा सारा तैयार करते हैं लेकिन जब एग्जाम्स में जाते हैं तो वो पेपर की वो कायदगी होती नहीं है। टेक्निकल तरीके से तैयार करें कि इम्तिहान में 6 नंबर से कामयाब हो जाए और आगे जो है बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया उम्मीद है, ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, अब एक पार्ट होता है एडियम्स, एडियम्स आपके आते हैं 10 नंबर के, एडियम्स आपके 10 नंबर के आते हैं, वो भी जो बुक्स में 300-400 होते हैं वो आप लोगों ने नहीं करने, सिर्फ मेन एडियम्स आप लोगों ने करने हैं। अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड आपको कर दिए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये एक टिक्स बताया जाएगा, बस का होता है कि आप लोगों ने जो एडियम्स याद किए थे उसमें से 3 आते हैं 2 आ जाते की ओर से, ठीक है, अनलिमिटेड है ना ये, तो उसका ट्रिक्स ये आपको बताया जाएगा कि अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए तो आपने वहाँ पर क्या जुमला लिखना है कि वो आपको पूरे मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो एडियम्स आपके 10 के हैं, आते हैं आपको 7, उसमें से आपने एनी 5 क्या कंडे होते हैं, अटैम्प्ट कंडे होते हैं। एडियम्स भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब क्या चीज़ चलती है हमारे पास, ऐसे ऐसे भी जो ना स्टूडेंट का बड़ा मिशन बना होता है कि क्या करना है, हमने इतने ज़्यादा ऐसे हैं किस तरह याद करेंगे। अमूमन मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, आपको सारे टेंस आते हैं, तो आप जिस तरह उर्दू का जो मजमून होता है, उर्दू के मजमून में आप उसको क्या करते हैं कि एक दफ़ा उसको आप रीड कर लेते हैं, रीड करने के बाद आप खुद से लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत ईजी वे से, क्योंकि उर्दू आपकी कौमी ज़बान है तो स्टूडेंट कर ही लेते हैं। लेकिन इंग्लिश का मसला ये आता है कि जब इंग्लिश से आप लिखने की बात करें अपने से, सेल्फ राइटिंग से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम शुरू से ये चीज़ सिखाई नहीं जाती बच्चों को, सिखाना तो ये चाहिए कि एक दफ़ा चीज़ पढ़े उसको अपने जो है लफ्ज़ों में क्या करें उसको आप लिख लें, लेकिन वो चीज़ सिखाई नहीं जाती जिसकी वजह से मसला आता है। लेकिन जिसको ग्रामर आती है वो इजी कर सकता है, उसे पता होता है कि क्या टेंस गलत है, कौन सा टेंस लगाना, पास्ट प्रेजेंट वगैरह, इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो बनेगी ताकि जो स्टूडेंट ग्रामर की कमज़ोर है ना उनकी भी तेज़ हो जाए। तो ऐसे भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत ईजी वे से और आपको बताएंगे कि किस तरह लिखना है कि आपके इम्तिहान में पास आ जाए। और ये होता है 15 नंबर का, ठीक है, पहले तो 5 आते थे और 5 में से आपने 1 करने होते थे, लेकिन यहाँ से अब चेंज कर दिया गया, 4 में से आपने क्या करना है, 1 ही करना है। 15 नंबर का आपका ऐसे है, ऐसे जब आप लिखें तो उसमें अगर आप कोटेशन डालें, कोटेशन से आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, आपको बताएंगे पहले आपको इसलिए कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि जब पैटर्न पता चल जाएगा तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी कि ये चीज़ तैयार करनी है मुझे इतने मार्क्स मिलने। इसे डायरेक्ट गैस बता देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, पहले पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है, ऐसे ऐसे का भी हम आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, इम्तिहान को सर पर सवाल नहीं करना, इसी वजह से आपने जो है तैयार करना है, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि हमारे पास एक और मसला जो स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यही 15 नंबर का। अब बात यह है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जब आप मैट्रिक में आप लोगों ने किया ही होगा, जिसमें आपको उर्दू में एक पैराग्राफ दिया होता है और उसको आपने क्या करना होता है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। मैट्रिक में जो आपको 40 पैराग्राफ दिए होते थे वो तकरीबन उसी में से आए थे, आउट ऑफ कोर्स नहीं आता था, मतलब अगर आप 40 में से कोई इंपॉर्टेंट कर लें तो आ ही जाते हैं, या 40 के सारे कर लें तो उसमें से ही पैराग्राफ आना है, वहाँ से आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन जब हम सेकंड ईयर की बात करें ना, उसमें जो पैराग्राफ होता है वो बास का तो मैट्रिक की बुक से आ जाता है, ठीक है, मैट्रिक की बुक से आ जाए तो समझे कि आपका हो गया है। बास का तो होता ही है कि वो पास्ट पेपर में से दे देते हैं, चले वो भी ठीक है अगर आपने पास्ट पेपर को किया हो, ठीक है, लेकिन बास का ऐसा होता है कि वो बी की बुक से पकड़वा देते हैं आपको पैराग्राफ। अब जी वही बात आपको बता रहे हैं कि जिन स्टूडेंट की ग्रामर अच्छी है, ठीक है, जिनको टेंस सारे आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, 12 के 12 टेंस आते हैं, तो उनके लिए जो है मसला नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा मसला वोकैबुलरी का होगा, तो वो भी इशू सॉल्व हो जाते हैं, जब आप कोई भी वर्डिंग लगा ली कि वो आपको टेंस से ही चल जाता है तो नंबर आपको दे देते हैं। तो इस मसले भी हम बात करेंगे तो बताएंगे कि इसको किस तरह हल करना है। अगर टेंस भी आपको करवाए जाएँ, अगर आप चाहते हैं कि ये 15 नंबर थोड़े से आपके आ जाएँ, टेंस आपको चाहिए कि आपको करवाए जाएँ, तो हमें कमेंट्स करें कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो वो भी हम उसकी वीडियो बना देंगे ताकि आपको ये भी 15 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी इसमें आता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ना वो आपका 20 नंबर का है।
अब 20 नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं ये भी बता दें आपको, ठीक है, कि किस तरह आप इसकी तैयारी करें। एक आपका आता है प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन आपने 9th 10th में किया होगा। आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, 5 नंबर की आती है, ऐसे इन टू ऑफ, ठीक है, बाय, बहुत ईजी होता है, इसको आपने याद करना होता है, ठीक है, याद करने के बाद उसमें से आपका आ जाता है 5 नंबर, समझे कि यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। प्रेपोजिशन ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में वो बताई जा रही है जो चीज़ें आती हैं, आपकी प्रेपोजिशन 5 नंबर की आती है, ठीक है। अब बताते हैं अगला, दोबारा आपको यहाँ बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपके पास प्रेपोजिशन, ठीक है, 5 नंबर की, 5 नंबर की प्रेपोजिशन है। उसके बाद करेक्शन आती है, अब करेक्शन के ऊपर चले ज़रा, वही 5 नंबर की आती है। पहले करेक्शन ऐसे आती थी कि आपको एक उसने दिया होता था लाइन, उसको आपने ठीक करना होता था, लेकिन अब करेक्शन ऐसे आती है, नीचे आपको MCQs की सूरत में लगते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उन ऑप्शन में से आपने जो है टिक करना होता है जो सही होता है। अब करेक्शन तो रटे नहीं लगते, करेक्शन में ये होता है कि रूल्स आपको बता दिए जाते हैं, रूल्स बताने से क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि इस तरह का सेंटेंस है तो उसमें क्या चीज़ लगनी है। अगर आपको करेक्शन के रूल्स भी चाहिए, वो भी समझना है, तो हमें कमेंट्स करें, वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। 5 नंबर करेक्शन है। उसके बाद बचते हैं आपके 10 नंबर, उसमें आपके जो है सनोनिमीज आ जाते हैं। सनोनिमीज कहाँ कहाँ से आते हैं, आपके शॉर्ट स्टोरीज में से आते हैं, ठीक है, हीरोज में से भी आते हैं और आपके मिस्टर चिप्स से भी आते हैं। और सनोनिमीज होता है क्या, ये भी आपको क्लियर करें कि मीनिंग ये होते हैं, ठीक है, वो मुश्किल मीनिंग होते हैं, उसको आपने इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स होते हैं, मुश्किल मीनिंग को इंग्लिश ही के आसान मीनिंग में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बता दिया जाए कि एक बो वर्ड है, ठीक है, वो कहते हैं शाख को। अब इसका अगर सनोनिमीज आ जाए, मुझे इसको आसान वर्ड में करना हो तो मैं इसको करूँगा ब्रांच, ब्रांच भी कहते हैं शाख को, यानी इंग्लिश ही के वर्ड को आपने इसी में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका क्या था, इंग्लिश सेकेंड ईयर, उनके ये हमने चीज़ें आज बता दी है पैटर्न, ताकि आप उसको आप जहन में बैठा लें। अब आपको जो जो चीज़ें चाहिए, देखिए प्रोवाइड तो हमने करना ही करना है, लेकिन आपके जहन में जो मसले हैं जिसको आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा, तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जब पैटर्न समझ आ जाता है ना, फिर इम्तिहान की तैयारी करना आसान होता है। वैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आनी है, फिर वो चीज़ नहीं रहती। इसलिए पहले कोई भी चीज़ शुरू करवानी है, हम पहले पैटर्न बताते हैं, ताकि स्टूडेंट के जहन में बना रहे कि ये पैटर्न कैसे करना है, उसको किस तरीके से हमने याद करना है। 100 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर है और 33 वाला पास होता है, और इससे भी ज़्यादा आपके नंबर आएंगे अगर आपने हमारे तरीके के मुताबिक जो है अमल किया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप इसके अपडेट्स मिलें, ठीक है। और इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में क्या करें, शेयर करें, बहुत जल्द वीडियोस आ रही हैं, आपको जो भी मसला हो उसे कमेंट्स करें, ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। उस वक्त अगर ना भी मिले तो आप मेरे को बनाना नहीं मिलेगा, ज़रूर आपको चाहे 1 दिन बाद में या 2 दिन बाद मिले, लेकिन ज़रूर देंगे हम आपको। तो बने रहें इस वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।